एक तरफ दोस्तों बजरंग क्लब जयपुर से पहुंची टीम, बड़ी दूरी लंबी तय करके आई, अच्छे प्लेयर है इसके अंदर। बैंसवाल की टीम को टक्कर देने का कार्य किया था इस टीम ने। और दूसरी तरफ माहम की टीम, माहम कबड्डी क्लब रमेश को सब काफी समय के बाद में ये टीम पहुंची है टूर्नामेंट के बाद में। इस टीम में प्रो कबड्डी का सतारा खिलाड़ी नितेश कुमार महम से, जो कि सीसर गांव से बिलोंग करता है, बाकी सभी बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं टीम के। और रमेश कोच साहब और विकास कोच साहब इसमें टीम के साथ में। पहली रन के लिए शिवम चला दोस्तों, शिवम बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, काफ़ी समय के बाद में चोट के बाद में रिकवरी की है। लेकिन सामने वाली टीम के कॉर्नर बड़े बेहतरीन है, रेडिंग और डिफेंस बड़ा अच्छा काम करते हैं इन टीमों का। और पहली रेड पे मैंने बताया था अच्छी कैच लगाई राहुल, रेड पे चला विकास, पांच नंबर की जर्सी का खिलाड़ी नितेश, सिसर गांव से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है प्रो कबड्डी में। तमिल तलाई वाली टीम के लिए काफी सब्स्टिट्यूशन में खेला था। ललित चला नौ नंबर की जर्सी में, गांव सिंह पर है इस खिलाड़ी का, काफी लंबी हाइट के प्लेयर पाए जाते हैं सिंहपुरा गांव में, जैसे देवान गांव सिंहपुरा, देवान का छोटा भाई वो भी लंबी हाइट का प्लेयर है। और इस समय राजस्थान की पांच नंबर की जर्सी का खिलाड़ी रेड करता हुआ नितेश द्वारा कैच का प्रयास और सफल, और ललित फिर रेड करता हुआ नौ नंबर की विकेट में। अच्छी टीम है, राजस्थान प्रदेश से पहुंची जयपुर से, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस की हुई इन खिलाड़ियों की दोस्तों। रेडिंग डिपार्टमेंट हल्का मान सकते हैं, लेकिन एक अंक प्राप्त करते हुए बिल्कुल टो हल्की सी टोटा चुई है। इस बार बड़ा बेहतरीन कवर लगाया विजय द्वारा, नितेश ने अच्छी सपोर्ट की, मैम की टीम दोबारा से टूर्नामेंट में वापसी करती हुई। अब जयपुर की किट में अच्छा एंकल होल्ड, अच्छी सपोर्ट देखने मिलती है यहाँ पे, बड़ी बेहतरीन टीम है महम की। और बजरंग कबड्डी क्लब भी बड़ी बेहतरीन टीम है। इससे अगला जो मैच होगा वो अहरी जिला झज्जर और पाई जिला कैटर है। राहुल अपनी टीम के लिए बिल्कुल डटकर खेलता हुआ, इस खिलाड़ी ने पिछले टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया था, जो नौ नंबर की जर्सी का प्लेयर, नौ
किट में खेल रहा है। अब बड़ा शानदार कैच लगाया है इस खिलाड़ी ने, बहुत प्रभावित किया उस टूर्नामेंट के अंदर। चोट लगी हुई है इस खिलाड़ी के अंदर घुटने में, उसी टूर्नामेंट के बाद काफ़ी दर्द से कराता हुआ आज भी सुमित। रोहित मैच चल रहा है भाई, मैच मैच है। राहुल से बच कर रहना होगा। सुपर टैकल हो चुका दोस्तों, 7-6 का स्कोर। अच्छी वापसी की है टीम जयपुर ने। रेड पे फिर चला शिवम, एक और पॉइंट का इजाफा टीम जयपुर के खाते में। आठ छह का स्कोर है दोस्तों, जयपुर की टीम 2 पॉइंटों के लीड में चलती हुई इस मैच के अंदर। मुख्य खिलाड़ी 1 नंबर की जर्सी में महम का नितेश सीसर गांव से बिलोंग करता है, महम टीम के लिए खेलता है। विजय डू एंड डाई रेड, विजय जला रेड पे ऑलराउंडर प्लेयर है कवर के साथ साथ। और हाफ टाइम तक दोस्तों स्कोर हो चुका है 9-6, 9 जयपुर 6 महम। 3 अंकों की लीड में चली गई टीम जयपुर। हाफ टाइम के बाद मैच की शुरुआत हुई दोस्तों 3 पॉइंटों की लीड में। जयपुर की टीम बड़ा अच्छा खेल दिखाती हुई, राहुल के सुपर टैकल और किक लगाई है, बिल्कुल शानदार किक दिखाई है। लूज खेल था डिफेंस, अचानक किक लगाई। 5 नंबर की जर्सी, 15 नंबर की जर्सी खिलाड़ी कॉर्नर पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता दोस्तों। फ्री होकर बात करता हूँ भाई, मैं चलना नहीं ना ना, नेटवर्क नहीं बरसात हो रही बार बार। भाई अगले मैच के लिए दोनों टीमें खेल मैदान के नजदीक आ जाए। अहरी जिला झज्जर जिले का गांव है, हरियाणा की बहुत ही बेहतरीन टीम है अहरी झज्जर,
और पाई जो गांव है वो कैथरा जिले का गांव है। टूर्नामेंट पर अच्छी वापसी की है दोस्तों टीम मैम। हेलो तेरह ग्यारह का सौ कोरा दोस्तों, दो पॉइंटों के लीड में अभी तक भी महम की टीम। वो चार प्लेयरों का डिफेंस जयपुर का, रेड पे शिवम अच्छा मैच खेला है और मैच शुरू होता दोस्तों, एक पॉइंट की लीड में चली गई है टीम जयपुर की टीम। नितेश हल्की सी गलती, लेकिन गलती का बचाव किया समय रहते। अंतिम तीन चार अच्छी निवेदन है कि आप अपना स्थान ले ले, बैठकर मैचों को लुप्त उठाएं। देर रात्रि तक बड़े बेहतरीन बेहतरीन मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी दी है। अंकित पाई और हरी बचर दोनों टीमें खेल मैदान के नजदीक आ जाएं। हरियाणा प्रदेश का एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव अपनी एंट्री फीस भी साथ लेकर आए। अंकित पाई की टीम अपनी एंट्री फीस साथ लेकर आए। सुपर टैकल पंद्रह तेरह का स्कोर है दोस्तों। जयपुर की टीम ने बड़ा शानदार खेल दिखाया है, काफी लंबी दूरी तय करके उस हिसाब से खेल भी बड़ा शानदार खेल है टीम ही। नितेश डू एंड डाई रेड पे, यदि जहां कैच लगी तो मैच में फिर बराबरी आ जाएगी, लेकिन सुपर टैकल की स्थिति
वन पॉइंट अहम। स्कोर बिल्कुल बराबर कैच लग चुके दोस्तों 16-15 का 16। बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो भारत के 18-15 का स्कोर चुके दोस्तों। 3 पॉइंटों की लीड में चलेगी मैम की टीम। पांच पॉइंटों की लीड में चलेगी मैम की टीम अंतिम क्षणों में। अच्छा मैच खेला लेकिन मैच जयपुर की टीम हाथ से निकल चुका और इस मैच को जीत लिया दोस्तों टीम मैम क्लब ने।